धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के दबखेड़ी गांव के समीप SYL नहर में लंबे अरसे से लोगों के लिए परेशानी का सबक बने 10 फुट लंबे और लगभग 3 क्विंटल वजनी आदमखोर मगरमच्छ को वन्य प्राणी विभाग व समाज सेवी प्रगट सिंह ने आज देर शाम ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर धर दबोचने में सफलता प्राप्त की। वन्य प्राणी विभाग के उप निरीक्षक रामपाल ने पुष्टि करते हुए बताया कि 10 फीट लंबा लगभग 3 क्विंटल वजनी यह आदमखोर मगरमच्छ आतंक का पर्याय बना हुआ था और एक हफ्ते पहले इसने चारवाहे पर हमला कर 2 भेड़ों को खा लिया था। वहीं समाज सेवी प्रगट सिंह ने बताया कि वन्य प्राणी विभाग के साथ उन्होंने नोवा मगरमच्छ पकड़ा है और उन्होंने बताया कि एक सप्ताह पहले चारवाहे पर हमला कर 2 भेड़ों को इसने खा लिया था और कल भी उसने भैंसों पर हमला कर दिया था। मगरमच्छ हमने पकड़े हैं, अब इसलिए आए कि कोई नाना कर दिया, बाकी ना पहले सेफ सुरक्षित उसको बांध जा रहा है, बाकी सुरक्षित है, कोई तो क्या कुछ बताया गया कहाँ से आया ये? ये तो सब इसमें नाला में इन्होंने दिखाई दिया सवेरे, बताऊँ उसके बाद इन्होंने अपनी जो प्रक्रिया थी मुझे बताई नहीं, अभी शाम निकालने के बाद बताइए, बाहर निकाल लिया। तो पुलिस ने उचित क्या कुछ कार्रवाई करी है पुलिस? आप मौके पुलिस पर ये अपना वन विभाग के प्राणी आ गए, अपने विभाग आ गए हैं यहाँ, वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। महीने से प्रगट जी की टीम और मेरी जो है रेस्क्यू टीम जो है 2 महीने से हम लोग लगातार यहाँ सक्रिय हैं। एक हफ्ता पहले जो है ये मगरमच्छ 2 भेड़ों को खा गया था और जो चरवाहा था उस पर भी इसने हमला किया, तो कंटिन्यू हम लोग किश्ती लेकर के और इसके अंदर जाल बिछा करके तो इसको आज काबू किया है। बड़ी सुबह से हम लोग लगे हैं 8 बजे से और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मैं प्रगट जी को देता हूँ, क्योंकि ये बड़े एक बहादुर और दिलेर इंसान हैं। ये सुबह से हमारे साथ लगे हैं, वैसे तो हमारे को 2 महीने हो गए लेकिन सुबह 8 बजे से अभी तक पानी तक नहीं पिया हम लोगों ने। तो कितना लंबा चौड़ा मगरमच्छ है ये? करीब 10 फुट का है, 2 क्विंटल इसका वजन है। तो सुबह से हम लोगों ने इसको रेस्क्यू किया है। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर रामपाल। काफी समय से है हमारे यहाँ से और हम हर साल एक दो मगरमच्छ पकड़ते रहते हैं। जब भी कभी बरसात होती है, ज्यादा अधिक बरसात हो जाती है, कई बार वहाँ से भी निकल जाते हैं। जो हमारा भोरसैदा प्रजनन केंद्र है CBC भोरसैदा, वहाँ पर हमारे मगरमच्छ हैं, उनसे कई बार निकले। ये बहुत पहले से हैं, जब कभी अधिक बरसात हो जाती है तो ये कई बार हमने यहाँ से कई बार रेकी कर ली, उसमें हमारी मदद प्रगट जी बहुत करते हैं। थैंक यू सर। और हमारे ये तारा जी कहाँ है? ये हमारा बहुत पुराना है, इसको मगरमच्छ ने खा भी रखा है और इसकी हम हेल्प लेते हैं। अभी कुछ समय से रामपाल जी, वनद्रोगा जी है हमारे यहाँ के इंचार्ज हैं, तो ये भी इनकी बहुत ज्यादा मेहनत है। ये रात भी 11 बजे थे यहाँ से, 11 बजे तक करे, 3 दिन पहले भी करी है मेहनत इन्होंने। तो सर कई बार देखने में आता है ये गांव के आसपास जो छोटे मोटे गांव हैं उनके भेड़ बकरियों पे या पशु जानवर पे भी हमला कर देते हैं, अभी एक हफ्ता पहले भी इनके कुछ जानवरों को भी खा गए हैं। हाँ, वो देखी थी मैंने, लेकिन वो जानवर ऐसे हमें दिखा नहीं भी, मतलब जानवर तो अभी 2 दिन पहले भी थी भैंस की, पता लग गया, लेकिन हमें खा हुआ नहीं। फिलहाल अब मौके पे आप पहुंचे हैं वाइल्ड लाइफ के अधिकारी, क्या कार्रवाई करें? सुबह भी यहाँ से कल जब ऐसी बात हुई तो हमें सोचा इसको कैसे प्रबंध करें। रामपाल जी ने रात को मेरे फोन किया भी इसको कैसे करें, तो सुबह मैंने DRO से रिक्वेस्ट करके ये किश्ती का हमने उपलब्ध की थी, तो ऐसे तो हमारे पास ये हो नहीं रहा, कई दिन से हम चल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हम सुबह किश्ती लेके आए, मैं किश्ती लेके कुछ DC साहब से काम था, उसके बाद DFO टाइटोल ने बुला लिया, मैं वहाँ पर चला गया। उसके बाद रामपाल जी और टीम गठित करी हमने और इन्होंने सुबह से इस पे कार्रवाई की और अब हमने इसकी पकड़ने में कामयाबी। तो अब आप इसको कहाँ ले जाएंगे भाई? अब वन्य प्राणी विभाग में CBC भोरसैदा जहाँ हमारा प्रजनन केंद्र है वहाँ पर हम इसको रिलीज कर देंगे। सब तो पहला पूरी मीडिया का थैंक यू जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया। उस तो बाद पिछले 14-15 साल तो मैं सेवा कर रहा, 8 मगरमच्छ मैं पहला विभाग नू दे चुके हैं और अज तो सिर्फ 7-8 दिन पहला एक गडरीये दी 2 भेड़ा ते इन्हां द्वारा हमला किया गया, 2 भेड़ा मार दित्तियां गईयां। फिर मैं इंस्पैक्टर साहब नाल संपर्क किया, फिर उस तो बाद असी 9 दिन तो रात दिन इत्थे जाल लाए हुए सी, कल फिर एक बार इन्हें मझां ते हमला किया। फिर मैं इंस्पैक्टर साहब नू सद्या, इन्हां दी टीम आई, फिर असी अज तकरीबन सवेरे 8 बजे तो अपने जाल, मेरी टीम और वाइल्ड लाइफ टीम दोवां टीपां ने ज्वाइंट ऑपरेशन, इन्हां ने मेरी हैल्प की, मैं इन्हां दी हैल्प की, इहदे विच कोई दोए राय नहीं। तो असी इन्हू जिंदा मगरमच्छ फड़ के मैं दोवें इंस्पैक्टरां दे हवाले अपनी टीम दे नाल कर रहा। मैं अपनी टीम दा बहुत दिलों धन्नवाद करदा और सब दा धन्नवाद करदा जिन्हां ने भी मैनू इस मिशन दे विच सपोर्ट किया। तो कई बार आपे मगरमच्छ हमला भी कर देते हैं?
हाँ इतने असि डंगर चगाते हैं भेडा चगाने जिवें आप जिथे खड़े हो इत एक जिमीदारा का इलाका है इतने अक्सर जो जिमीदार इंजना के पानी पुनी कड़ते हैं तो उन्होंने दिसते हैं तो हमला भी करते हैं कितने ना कि बहुत वड्डी परेशानी का सबक बने हुए थे और अज असी एक होर मगरमच्छ न फड़ के वाइल्ड लाइफ के हवाले किया ताकि ये भी सेव रहे और इतों के रह चुके मैं सर पहला अठ मगरमच्छ फड़ चुका है विभाग के नाल मेरा नवा मगरमच्छ है मगरमच्छ का वजन घट्टो घट भी 2 क्विंटल तो भी ज्यादा है और 10 फुट के आसपास इसकी लंबाई आज सुबह 8 बजे से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर बड़ी मशक्कत से इसे काबू किया गया है। वहीं वन्य प्राणी निरीक्षक तेजवीर सिंह ने बताया कि इस मगरमच्छ को प्रजनन केंद्र भोरसैदा में छोड़ा जाएगा। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।